महाविद्यालय सोलन में किया जा रहा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन, जिसमें 100 स्वयंसेवी लड़कियों और लड़कियों ने लिया भाग। 7 दिवसीय विशेष शिविर में किया जाएगा कॉलेज परिसर की साफ सफाई और पौधारोपण। विद्यार्थियों के अंदर समाज सेवा की भावना उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है शिविर का आयोजन, जिसके तहत 50 लड़के और 50 लड़कियां ले रही शिविर में भाग, जिसके तहत 7 दिन तक सभी स्वयं सेवी के रहने की व्यवस्था भी महाविद्यालय परिसर में ही की गई है। साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों का भी किया जाएगा आयोजन। अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर घनश्याम ने बताया कि महाविद्यालय परिसर सोलन में 7 दिन के विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 100 स्वयंसेवी लड़के और लड़कियां भाग ले रही है। इस शिविर को करवाने का उद्देश्य विद्यार्थियों में समाज सेवा की भावना को जागृत करना है। 120 घंटे तक चलने वाले विशेष शिविर में स्वयंसेवी महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई और परिसर में पौधारोपण भी करेंगे। मेरा नाम सपना ठाकुर है, मैं बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं और मेरी टीम, हम सबको साथ में काम करते हुए, आज एनएसएस कैंप का दूसरा डे है, साथ में काम करते हुए गतिविधियाँ तो हमारी यही रहेगी कि हम कैंपस इधर अरे सराउंडिंग में जो भी साफ सफाइयाँ करने को साफ सफाइयाँ करेंगे, और खासकर यहाँ वी वॉक के सामने यहाँ पे गार्डन बनाने की जो प्रक्रिया है हमारी चली हुई है। तो कल तो हमने झाड़ी वगैरह काटी थी, अब बेडिंग वगैरह करके उसमें पेड़ पौधे लगाने का जो है कार्यक्रम होगा। और अगर मतलब कैंडिडेट्स की बात करें वॉलंटियर्स की, तो पूरे 100 वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हैं इस बार कैंप में, जो कि हर साल की तरह। ये स्पेशल कैंप होता है 7 डेज का, खास तौर पर 7 डेज का, और फिर सभी वॉलंटियर्स के साथ मिलके सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह, मतलब मैं खाना बनाना, बर्तन धोना, सारा काम मिलके लड़के लड़कियाँ सब, मतलब यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जाती है कि लड़का है तो वो सिर्फ झाड़ियाँ काटने का काम करेगा या फिर लड़कियाँ हैं तो वो सिर्फ खाना बनाने का काम करेंगी। यहाँ पे मिलजुल के दोनों, मतलब इक्वल जेंडर इक्वलिटी लेके चलेंगे यहाँ पे। और दिन को ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद सेशन रहता है, लेक्चर्स हमें टीचर से अटेंड करने होते हैं, लेक्चर्स वगैरह मिलते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, एंड उसके बाद फिर हमारा कल्चर प्रोग्राम पे रहता है। फिर शाम को स्टडी का, जैसा कि कहा जाता है, वॉलंटियर्स को जो है काम करने के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं होती बल्कि दिल की ज़रूरत होती है, आपके पास सेवा भावना होनी चाहिए। तो फिर अगर बीच में कभी एक दो पीरियड अगर मिस भी हो जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप उस पीरियड को मिस करके उस टाइम को कहीं और अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर रहे हो। आपका नाम? मेरा नाम सपना है, बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा। देखिए, ये हमारा कैंप जो है, ये वार्षिक जो विशेष शिविर होता है राष्ट्रीय सेवा योजना का, और हर साल इसी तरह की गतिविधियाँ रहती हैं। 120 घंटे का जो कार्य जो हमारा कैंपस में पूरे साल भर रहता है, और 120 घंटे जो हमारा स्पेशल जो शिविर होता है उसमें रेजिडेंशियल शिविर होता है, उसमें छात्र जो है खाना बनाने से लेकर जो दूसरा जो चिन्हित हमारा कार्य साफ सफाई का होता है, और पर्यावरण सुरक्षा का, बॉटनिकल गार्डन जो हम स्थापित करने वाले हैं, जो भी गतिविधियाँ हम चिन्हित करते हैं किसी खास एरिया में, वो जैसे हमारा जो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो लोगो भी यही है कि मैं नहीं बल्कि आप, आपका मतलब समुदाय, समुदाय के साथ जुड़ना, और एक यूनिटी के साथ बच्चे इस कैंप में जो है गैदरिंग में रहते भी एक साथ हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और डे में जो है हमारा वर्क भी रहता है, और इसमें हमने 4 जैसे हमारे जो 100 जो गर्ल्स और बॉयज़ की जो पार्टिसिपेशन है, वॉलंटियर्स ने भाग लिया इस कैंप में, तो उसमें से हमने 4 ग्रुप में डिवाइड करके जो है डेली रूटीन में इनका वर्क अलग अलग रखते हैं, तो मैथ्स भी यही बच्चे संभालते हैं, क्लीनलीनेस का काम है सारा वो भी संभालते हैं। तो आज हमने इस साल का जो ये हमारे कैंपस के एरिया में जो है सफा सफाई का जो कार्य, पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में हमने यहाँ बॉटनिकल गार्डन की स्थापित करना है, और पूरे कैंपस की सफाई इसको चुना है हमने। तो बच्चे आज जो दूसरा दिन है हमारे कैंप का, तो ये 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक चलेगा, तो इसमें 50-50, तो हमारे 50 बॉयज़ और 50 गर्ल्स बेनिफिट रहता है इनको, जो जैसे मैंने बताया कि 3 साल में हम जो है जो सीनियर्स बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं उनको ये कैंप लगाना ज़रूरी होता है। घनश्याम, तो मैं समन्वयक हूँ इनका बॉयज़ यूनिट का, और हमारे गर्ल्स यूनिट के डॉक्टर प्रियंका हैं, तो विधिवत रूप से हमने ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इनको, और हमारे यूनिट्स के इनके हमने ग्रुप के लीडर्स बनाए हैं, वो विधिवत रूप से कार्य जैसे आप देख रहे हैं, तो हमारे विभाग की बिल्डिंग के चारों तरफ से साफ सफाई कर रहे हैं,
तो रूटीन वर्क में हमारा सफाई का रहता है, और यहाँ पे जो 7 दिन का जो हमारा जो कैंप है उसमें जो इससे पली साइड को हमारा बॉटनिकल गार्डन का भी है वो भी हम स्थापित करेंगे, उसमें प्लांटेशन भी करेंगे ताकि पर्यावरण सुरक्षा की तरफ भी एक अच्छा संदेश जाए। और साथ में सबसे बड़ी अच्छी बात है कि छात्रों से हमें भी सीखने को मिलता है कि पढ़ाई के साथ साथ सेवा भाव भी इसे जो है वो उत्पन्न होती है, ताकि ज़िंदगी में काम आए कि आप कम्युनिटी के साथ हैं और कम्युनिटी हमारे साथ हैं, मिलजुल के ये कार्य यूनिटी के साथ करते हैं, ताकि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका बहुत ज़रूरी है। जो हमारा ये यूनिट जो यूथ जो एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के तहत आता है, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है, हर स्टेट्स में अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं बच्चे। वैसे ही हमारे महाविद्यालय सोलन की इकाई ने भी ये बीड़ा उठाया है और बखूबी रूप से बच्चे बड़े एक्टिव हैं और इनको स्वयं ही इनके अंदर ये जागृत है सेवा भावना, जैसे आप देख रहे हैं। तो हम तो अपने विधिवत रूप से इनको बीच में चेक करते हैं, लेकिन ये आपने हम देखा होगा, हम तो इनको चेक भी नहीं कर रहे हैं।